जनपद सोनभद्र में स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई छात्रा का स्टूडियो संचालक ने किसी तरह अश्लील फोटो बना लिया और छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा। मामला परिजनों की जानकारी में आया तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाया है। करमा थाना क्षेत्र के ककरी में स्थित स्टूडियो में एक छात्रा अपने कुछ सहेलियों संग फोटो खिंचवाने गई थी, जहां स्टूडियो संचालक ने छात्रा का उस समय अश्लील फोटो खींच लिया जब छात्रा कपड़े बदल रही थी। फोटो खींचने के बाद संचालक छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा। यह बात छात्रा ने अपने परिजनों को बताई तो परिजन हैरान रह गए। मामले की जानकारी जब परिजनों को हुई तो उन्होंने संचालक को सबक सिखाने के लिए पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया, जिससे कि किसी और की बहन या बेटी के साथ दोबारा ऐसा ना हो। इधर पुलिस का कहना है कि छात्रा फोटो खिंचवाने स्टूडियो में गई, जहां संचालक ने छात्रा का अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहा था। इसी संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बताओ। हमारे संग हम लोग फोटो खिंचाने गए चार लोग, तो हमारे साथ गलत कार्य किया था जबरदस्ती। क्या किया था? गलत कार्य, हम कहे थे कि हम नहीं करेंगे, तो हमको किया कि तुमको नहीं करोगे तुमको मारेंगे। तो किया था तो हम हमारे फोटो खींचा। अच्छा, क्या गलत कार्य करते हैं खींचा? हाँ, वीडियो बना लिया। हाँ, हमारे बेटी के संग हो गई फोटो खिंचाने के लिए। हाँ। और वो फोटो वाले जो फोटो खींचा उसके संग जो किया गलत किया। और उसके पास फिर भेज दिया, वायरल कर दिया। तो अभी भी चाहते हैं हमको ऐसे मामला फिर नया बने और फिर दोबारा एक काम करने के लिए सोचे कि ऐसे काम करेंगे फिर हमारा हादसा यही हो। हम यही चाह रहे हैं कि जो हुआ तो हमारे साथ हुआ, फिर दूसरी बेटी के साथ नहीं होना। हम यही चाह रहे हैं। थाना पुलिस गए थे? शिकायत की है? वही थाना पुलिस तो नहीं गए। फोटोग्राफर द्वारा स्टूडियो में खींचने और वायरल करने का मामला, क्या पूरा मामला पर कार्रवाई की? ये प्रकरण थाना करमा क्षेत्र का है, जहाँ पे एक लवली स्टूडियो है। लवली स्टूडियो में लड़की है, ये गई थी और इसका कहना है कि फोटोग्राफर ने उसके ऐसे कुछ चित्र खींचे हैं जो अश्लील हैं, और लड़की के ही घर वालों के किसी तरीके से इस बात संज्ञान में आई, उन्होंने पता किया, फिर इसमें शिकायत किया तो थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें SC ST एक्ट भी लगा हुआ है। इसकी विवेचना CO द्वारा की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आए उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। FIR में रेप की कोई बात नहीं, FIR में आरोप सिर्फ ये है कि अश्लील चित्र मेरे खींचे हैं।